सुप्रभात बच्चों, आज वर्ग षष्ठ के लिए संस्कृत में आकारांग स्त्रीलिंग लता शब्द रूप बताने जा रहे हैं। जिस प्रकार कर्ता के कारक के आठ भेद होते हैं, उसी प्रकार संस्कृत में विभक्ति आठ होते हैं और एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम के अनुसार सभी व्यक्ति अपने अपने रूप में चलते हैं। तो लता शब्द रूप का रूप इस प्रकार चलेगा। प्रथमा विभक्ति के एक वचन में लता होता है, द्विवचनम में लते होता है और बहुवचनम में लता होता है। द्वितीय विभक्ति यानी कर्म, इसके एक वचन में लताम होता है, द्विवचन में लते होता है और बहुवचनम में लता होता है। तृतीय विभक्ति के एक वचन में लतया, द्विवचन में लताभ्याम और बहुवचनम में लता भी होता है। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में लताये, द्विवचनम में लताभ्याम और बहुवचनम में लताभ्य होता है। पंचमी विभक्ति के एक वचनम में लताया, द्विवचनम में लताभ्याम और बहुवचनम में लताभ्य होता है। षष्ठी विभक्ति के एक वचनम में लताया, द्विवचनम में लतयो और बहुवचनम में लता नाम होता है। सप्तमी विभक्ति के एक वचनम में लतायाम होता है, द्विवचनम में लतयो होता है और बहुवचनम में लता नाम होता है। सप्तमी विभक्ति के एक वचनम में लतायाम, द्विवचनम में लतयो और बहुवचनम में लतासु होता है। संबोधनम, संबोधनम के एक वचनम में हे लते होता है, द्विवचनम में हे लते और बहुवचनम में हे लता होता है। इस प्रकार लता जो है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप है। इसको स्मरण करने के बाद ही इसके साथ और अनेकों शब्द रूप का स्मरण आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का इस प्रकार उदाहरण है। अब आ जाइए हर्षई कारांत पुल्लिंग शब्द रूप मुनि। मुनि शब्द रूप का इस प्रकार विभक्ति के अनुसार वचन में चलेगा। उसके प्रथमा विभक्ति में एक वचनम में मुनि होता है, द्विवचनम में मुनि होता है और बहुवचनम में मुनय होता है। द्वितीय विभक्ति के एक वचनम में मुनिम होता है, द्विवचनम में मुनि होता है और बहुवचनम में मुनीन होता है। तृतीय विभक्ति के एक वचनम में मुनिना होता है, द्विवचनम में मुनिभ्याम होता है और बहुवचनम में मुनि भी होता है। चतुर्थी विभक्ति के एक वचनम में मुनिये होता है, द्विवचनम में मुनिभ्याम होता है और बहुवचनम में मुनिभ्य होता है। पंचमी विभक्ति के एक वचनम में मुने होता है, द्विवचनम में मुनिभ्याम होता है और बहुवचनम में मुनिभ्य होता है। षष्ठी विभक्ति के एक वचनम में मुने होता है, द्विवचनम में मुन्यो होता है और बहुवचनम में मुनि नाम होता है। सप्तमी विभक्ति के एक वचनम में मुनो, द्विवचनम में मुन्यो और बहुवचनम में मुनीसु होता है। संबोधनम कारक, संबोधनम में हे मुने,
द्विवचनम में हे मुनि और बहुवचनम में हे मुनिया होता है। इस प्रकार संस्कृत में शब्द रूप को याद करना एकदम अनिवार्य है। इसको याद करने के बाद यानी कारक के चिन्ह के अनुसार इससे वाक्य का अनुवाद बन सकता है, संस्कृत में अर्थ याद हो सकता है। जब तक इसे याद नहीं किया जाएगा तब तक आप लोग आगे बढ़ने में बहुत कठिनाई होगी। जैसे लता का जो शब्द था, शब्द रूप था, उसमें अंबा का रूप भी उसी अनुसार चलेगा। उसके बाद मुनि का जो शब्द रूप था इसमें भी इसके अनुसार भी अनेकों रूप चलेंगे। इसे याद करने के बाद अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे। इसके साथ ही आज दूसरा अध्याय समाप्त हुआ है।